हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका बीपीएससी का एग्जाम बस आ ही गया, बस 5 ही दिन तो बाकी है। अगर हम देखें 30 सितंबर को पेपर है तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं, क्योंकि जो एग्जाम है ना, जब जैसे जैसे वो पास आता है वैसे वैसे हमारी एंजाइटी लेवल बढ़ती जाती है। हमें लगता है कि यार जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना हम रिवाइज कर लें, और जितना हम रिवाइज करते उतना हमें लगता है हम भूलते भी जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल मत घबराइए। आप बायोलॉजी सेक्शन को लेके तो बिल्कुल भी अब मत परेशान होइएगा, क्योंकि मैं आप सबके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूं जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेगा बायोलॉजी के। ठीक है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी के और घटना चक्र के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। यह आपके एग्जाम में इतनी हेल्प करेगा जिससे आपको बायोलॉजी में बीपीएससी के लिए कोई परेशानी नहीं आएगी। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्वेश्चंस रीड करती जाऊंगी, ऑप्शंस भी मैं आपको करेक्ट बताऊंगी, लेकिन उस 1-2 सेकंड में डायरेक्टली आपके माइंड में आंसर टिक हो जाना चाहिए। ठीक है, इसी से आपका रिविजन होगा अच्छे से, वरना अगर आप आंसर का वेट करते रहेंगे दैट मीन्स कि यू आर नॉट येट प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ओके, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बींग इज ऑप्शन ए 5 to 6 liters, ऑप्शन बी 3 to 4 liters, ऑप्शन सी 8 to 10 liters, या फिर ऑप्शन डी 10 to 12 liters। मार्क योर आंसर इमीडिएटली इन योर माइंड एंड योर ऑप्शन। करेक्ट आंसर इज मीन्स ऑप्शन ए, मीन्स ह्यूमन बॉडी में 5 से 6 liter जो है ब्लड होता है। लोग बोलते हैं ना बाल्टी भर के ब्लड निकला, नहीं बाल्टी भर के नहीं, हाँ अगर बाल्टी 5-6 लीटर की है तब ब्लड निकला है तो हम मान सकते हैं, वरना 20-25 लीटर वाला ब्लड कहीं किसी की बॉडी में नहीं। ह्यूमन बींग्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, 5 से 6 लीटर ही होता है दोस्तों। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मेजर्स ब्लड प्रेशर। जिसका ब्लड प्रेशर काफी सुना होगा कि किसी का काफी हाई है, किसी का कम हो जाता है, लोग बेहोश होकर गिर जाते हैं, तो पता कैसे चलता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट उसको मेजर करता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्फिग्मोमैनोमीटर। ये है वो इंस्ट्रूमेंट जो कि यूज किया जाता है टू मेजर द ब्लड प्रेशर ऑफ द बॉडी। ठीक है, देखिए मैं जल्दी जल्दी आपको पढ़ा रही हूं ताकि आपका रिविजन होते जाए। ठीक है, आपके पास इतने टाइम नहीं है कि आप 5 मिनट या 2 मिनट एक क्वेश्चन पे इन्वेस्ट करो, इतना टाइम तो आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपको एग्जाम में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे इतने ज्यादा क्वेश्चंस होंगे करने को सिर्फ 2 घंटे में। ओके, द ब्लड ग्रुप ऑफ यूनिवर्सल डोनर इज ऑप्शन ए बी देन ओ देन ए और ए बी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मींस ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर मतलब बोला जाता है, एंड इन पर्टिकुलरली ओ नेगेटिव। ठीक है, ओ नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, अगर पर्टिकुलरली पूछ ले ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, देन योर करेक्ट आंसर विल बी ओ नेगेटिव। इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर द लिम्फोसाइट्स फॉर्म्ड? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी बोन मैरो, ऑप्शन सी स्प्लीन, ऑप्शन डी पैंक्रियास, या फिर ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई, मींस ये थाइमस और बोन मैरो दोनों पाया जाता है। ठीक है, और लिम्फोसाइट्स को ही हम व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर WBC कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ गया इनकेस वॉट इज द अनदर नेम ऑफ लिम्फोसाइट्स, तो आंसर विल बी व्हाइट ब्लड सेल्स और WBC। ठीक है, ये थाइमस और बोन मैरो में फॉर्म होता है। वेयर इज द गवर्निंग सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन लोकेटेड? आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, और करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है उसका गवर्निंग सेंटर लोकेटेड होता है। रिफ्लेक्स एक्शन आप बहुत ही इसको एग्जांपल से मतलब पढ़ चुके होंगे, और जो नहीं पढ़े उनको मैं एक बार बता देती हूँ कि सपोज अगर अगर मतलब हम देखते हैं आग है, और वहां पे हम अपना हाथ ले जाते हैं आग पे, तो तुरंत एक झटका सा लगता है और हम अपना हाथ तुरंत पीछे कर लेते हैं, तो वही है रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
लैक ऑफ विच सब्सटेंस कॉजेस डायबिटीज इन अ पर्सन? डायबिटिक पर्सन होते हैं, लेकिन उसमें कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि कम होता है और जिसकी वजह से वो डायबिटीज डिजीज से वो सफर करना स्टार्ट कर जाते हैं? एंड योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन जो है इसकी कमी हो जाती है और डायबिटीज जो है वो रोग हो जाता है। आपने सुना होगा कि लोग इंसुलिन का इंजेक्शन भी लेते हैं जिनकी डायबिटीज बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, राइट? देन विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स प्ले अ रोल इन रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मैमरी ग्लैंड्स? ऑप्शन ए एड्रेनलिन, ऑप्शन सी थायरोक्सिन, ऑप्शन सी प्रोजेस्ट्रॉन, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन, या फिर ऑप्शन डी ई नन ऑफ द अबव, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है रिलीज ऑफ मिल्क में, जो मैमरी ग्लैंड से होता है। ठीक है, उसके अलावा जब बेबी फॉर्म होता है तो हमारे जो यूट्रस होता है फीमेल बॉडी का, आई मीन, उसको भी एक्सपेंड करता है। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। Which of the following hormone contains iodine? Testosterone, adrenaline, thyroxine, insulin, या फिर none of the above, more than one of the above? And your correct answer will be option C, means thyroxine. ठीक है, thyroxine hormone जो है वो iodine contain करता है, and the disease which is caused by the lack of iodine or deficiency of iodine is goiter. ठीक है, गोइटर जो डिजीज होता है वो आयोडीन की कमी की वजह से होता है। आपने देखा होगा लोगों की जो गर्दन है वहां पे वो गोइटर फॉर्म हो जाता है। विच हॉर्मोन स्टिमुलेट्स द थायरॉइड ग्लैंड टू सिक्रेट थायरोक्सिन? ऑप्शन ए TSH, ऑप्शन बी FSH, ऑप्शन सी LTH, या फिर ऑप्शन डी ACTH। आई होप आपने क्वेश्चन का जो आंसर है वो अपने माइंड में सोच लिया होगा या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया होगा। और आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मीन्स TSH और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज एसोसिएटेड विथ फ्लाइट ऑफ फाइट ऑफ फ्लाइट? ठीक है, ये फाइट ऑफ फ्लाइट होगा, फ्लाइट एंड फ्लाइट हो गया है, ये होता है फाइट और फ्लाइट। चलिए, जितनी देर में मैं लिखी हूं उतनी देर में आई होप यू हैव मार्क्ड योर आंसर, एंड योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी एड्रेनलिन। ओके, सी एड्रेनलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट कॉन्सेप्ट। और ये जो हॉर्मोन है, जिस तरह की कोई भी मतलब मुसीबत आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो वो हमें प्रिपेयर कर देता है, इसीलिए इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। ठीक है, एड्रेनालिन को। वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर? इन यूट्रस, इन ओविडक्ट, इन ओवरी, या फिर इन वेजाइना? और आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ओविडक्ट। ठीक है, ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होता है और ओविडक्ट को ही फेलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है। ठीक है, ये फीमेल बॉडी में होता है फेलोपियन ट्यूब, उसी को ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब बोला जाता है, जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन मीन्स एग और स्पर्म, फीमेल एग एंड मेल स्पर्म, इनका फर्टिलाइजेशन। द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कार्बन डाइऑक्साइड? ऑप्शन बी ऑक्सीजन, देन एनर्जी, शुगर, और नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो मैं आपको फोटोसिंथेसिस की, अगर क्वेश्चन नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि फोटोसिंथेसिस मींस प्लांट्स जो है वो इनहेल क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट इज देयर, और ये प्रोडक्ट क्या फॉर्म करता है? प्रोडक्ट करता है ये ग्लूकोज मीन्स C6H12O6 एंड ऑक्सीजन, मतलब ये CO2 लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, तो ऑक्सीजन इसका बाय प्रोडक्ट हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, बाय प्रोडक्ट क्या होगा फोटोसिंथेसिस का? ऑक्सीजन।
ग्लूकोज क्या है, ये जो है इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? मैंने जस्ट अभी बताया है, इट्स फॉर्मूला इज C6H12O6। ठीक है, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ऑप्शन ए नाइट, ऑप्शन बी डे और नाइट, ऑप्शन सी डे और नाइट, या फिर ऑप्शन डी ओनली डे। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मींस डे और नाइट। जो फोटोसिंथेसिस है, मैक्सिमम आपको लग रहा होगा कि फोटोसिंथेसिस अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर सनलाइट। तो आपको यही लग रहा होगा कि सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, लेकिन जो डेजर्ट्स प्लांट्स होते हैं, जो जीरोफाइट्स होते हैं इन शॉर्ट, क्योंकि जो प्लांट्स डेजर्ट्स में पाए जाते हैं उनको जीरोफाइट्स बोला जाता है, वहां पे जो फोटोसिंथेसिस है वो रात में होती है। ठीक है, इसलिए आपका करेक्ट होगा आंसर डे और नाइट। ठीक है दोस्तों, देन फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, या फिर ऑप्शन डी पेरोक्सीसोम। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मींस क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये जो इक्वेशन हमने देखी थी कि CO2 और वाटर के होती है, देन इट फॉर्म्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, तो ये कहाँ पे होता है? तो ये होता है फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में। द मोस्ट एक्टिव लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस इज वायलेट, रेड, ब्लू और ग्रीन। तो आप करेक्ट आंसर इसका सोच के बताइए, अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो प्लीज सोच के बताइए कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मींस रेड। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की सबसे ज्यादा एक्टिव लाइट कौन सी होती है? तो वो होती है रेड लाइट। देखिए ये जो क्वेश्चंस है ना, ये प्रीवियस ईयर्स के, ये ऐसा नहीं है कि एक बार मैं पूछ रही हूँ फिर दूसरी बार कोई और क्वेश्चन पूछ रही हूँ, डेट मीन्स कोई एक ही बार आया, नहीं, ये जो क्वेश्चन है ना वो मिनिमम 3 to 4 times पूछा गया है अकेले बीपीएससी में। उसके अलावा जो अदर एग्जाम्स हैं, सपोज यूपीपीएससी हो गया, या फिर राजस्थान का हो गया एग्जाम, या फिर एमपीपीसीएस हो गया, वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए ये जो क्वेश्चंस मैं आपको पूछ रही हूँ ना, उसे सिर्फ आपकी बीपीएससी की ही नहीं, बल्कि अगर अदर स्टेट पीसीएस के भी एग्जाम्स देते हैं या देने की सोच रहे हैं ना, तो उनके भी क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब बिल्कुल परेशान मत हो, एंजॉय करते हुए बढ़ो, बस अपनी प्रिपरेशन को और मतलब ब्रश अप कर लो और शार्पन कर लो। ठीक है, आर्टिफिशियल लाइट कैन डिस्ट्रॉय क्लोरोफिल, सिंथेसाइज क्लोरोफिल, ब्रिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस, या फिर नॉट ब्रिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस। तो आपका करेक्ट आंसर होगा कि जो आर्टिफिशियल लाइट है, दे कैन ब्रिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस। जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस है वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, लेकिन जो डेजर्ट्स प्लांट्स होते हैं वहां पे ये डार्क में होता है, सब मींस नाइट टाइम पे होता है फोटोसिंथेसिस, जो डेजर्ट्स प्लांट्स होते हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। लेकिन नॉर्मली नॉर्मली जो प्लांट्स जो डे लाइट में फोटोसिंथेसिस करते हैं, अगर उनको डे लाइट नहीं प्रोवाइड की जा रही है, उनको रात में उनकी फोटोसिंथेसिस करनी है, तो वहां पे अगर सनलाइट की बजाय आर्टिफिशियल लाइट भी उन प्लांट्स को दी जाएगी ना, तो भी वो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है उसको कैरी आउट कर लेंगे। आप समझ रहे हैं ना कि अगर किसी को फोटोसिंथेसिस करवानी है इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, तो वो आर्टिफिशियल लाइट के भी थ्रू हो जाएगी। फ्लोएम इन प्लांट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अमीनो एसिड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मींस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज डन बाय फ्लोएम, एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर ये कौन करता है? ये करता है जाइलम। ठीक है, फ्लोएम करता है फूड का ट्रांसपोर्टेशन, जाइलम करता है वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
एम्ब्रियो इज फाउंड इन फ्लावर्स, लीव्स, सीड्स और बर्ड्स। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, सीड्स में जो है वो एम्ब्रियो पाया जाता है, मतलब कि बीज में पाया जाता है एम्ब्रियो। ठीक है, प्लांट्स आर फॉर्म्ड लाइक पेरेंट प्लांट फ्रॉम सीड्स, स्टेम कट, नन ऑफ दीज या फिर बोथ ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर होगा, चलिए मैं आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ, फिर होता है कि सपोज ये कोई स्टेम है, ठीक है, और इसी तरीके का हमें दूसरा स्टेम बनाना है, तो क्या करेंगे, इसके स्टेम की ना थोड़ी कटिंग कर लेंगे। और ये कटिंग कैसे करेंगे कि यहाँ पे एक लीफ भी हो, मतलब एक पत्ती भी होनी चाहिए, और इस एरिया को हम कट कर लेंगे। ठीक है, फिर इसको हम अपने प्रॉपर मीडियम वगैरह देंगे जहाँ पे कि ये ग्रो करे, तो बिल्कुल पेरेंट प्लांट की तरह, मतलब जैसा ये प्लांट था वैसा ही ये दूसरा प्लांट ग्रो करेगा। ठीक है, इसी को हम, मतलब अगर शॉर्ट में बोलें तो इसको वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी कहते हैं या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसी से आपको आंसर पता चल गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्टेम कट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्टेम कटिंग इज डन जनरली टू ग्रो बनाना, शुगर केन, मैंगो और कॉटन। तो अभी जो मैंने आपको डायग्राम शो किया था, इससे आपको पता चल गया होगा कि ऐसा कौन सा प्लांट होता है, तो ऐसे आप देखते होंगे शुगर केन होता है। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी, शुगर केन। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इन टर्म्स ऑफ इट्स लाइफ साइकिल इज फ्लावर, लीफ, स्टेम और रूट। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्लावर। ठीक है, ये इसकी लाइफ साइकिल का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि आपको जिस तरह पता है कि पॉलिनेशन वगैरह जो भी होता है वो फ्लावर में ही होता है, एंथर, स्टिग्मा, ये सब आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो इसको आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसके थ्रू आपको सारी चीजें रिवाइज होंगी, और ये सारे पार्ट्स जो है ना वो फ्लावर्स के होते हैं। ठीक है, सी आ भी गया क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। सी, ये डेफिनेशन जरूर याद रखना है कि सेम प्लांट है या फिर डिफरेंट प्लांट है, मीन सेम प्लांट है या फिर अनदर प्लांट। इन डेफिनेशन यू विल फाइंड अनदर प्लांट। ओके, तो इन दोनों का मैं डिफरेंस आपको बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गिटोनोगैमी। ठीक है, गिटोनोगैमी क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं, मतलब एक फ्लावर है उसके एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर, ये फ्लावर वन है, ये फ्लावर टू है। ठीक है, तो इस फ्लावर के एंथर से इस दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं, और ये दोनों जो फ्लावर हैं वो एक ही प्लांट के हैं, ये जरूर याद रखिएगा, सेम प्लांट हैं, तो इसको हम कहते हैं गिटोनोगैमी। और अगर ये फ्लावर वन मींस एंथर किसी और प्लांट का है, और ये फ्लावर टू मींस ये स्टिग्मा किसी और प्लांट का है, तो उसको हम कहते हैं जीनोगैमी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तुलसी प्लांट हैज मेडिसिनल वैल्यूज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग, इनऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, फिनोल्स एंड फ्लेवोनॉइड्स या फिर डी, नन ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिनोल्स एंड फ्लेवोनॉइड्स। ठीक है, ये जो केमिकल्स हैं ये काफ़ी हमारे जो मेडिसिनल वैल्यूज हैं उनको इन्हेंस करते हैं, जिसकी वजह से जो तुलसी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। मतलब आपने सुना होगा कि अगर कोल्ड हो गया है तो तुम तुलसी वाली चाय पी लो, तुलसी वाला पानी पी लो, क्योंकि इसकी एक अलग ही अपनी मेडिसिनल वैल्यूज होती है। ठीक है, और मुझे जनरली तुलसी का पत्ता बहुत अच्छा लगता है ऐसे ही खाना, तो मैं तो बहुत खाती हूँ, चाय पीती नहीं हूँ तो तुलसी खा लेती हूँ। Which of the following plant is also a petroplant? Option A, pigeon pea. Option B, pea. Option C, gram. या फिर option D, pongam. तो आपका correct answer होगा option D, pongam. ठीक है, ये एक petroplant है।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज फॉर बायोडीजल? आपका आंसर बिल्कुल अभी होना चाहिए बिना ऑप्शन देखे भी। अगर ऑप्शन देख रहे हैं, क्योंकि चार पांच प्लांट्स होते हैं, आपको बिल्कुल ही आना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ साइंस से रिलेटेड नहीं है, ये आपके हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड होता है अगर हम एनवायरमेंट पढ़ते हैं उसमें भी, क्योंकि ये वर्ड है रिलेटेड बायोडीजल से, सस्टेनेबिलिटी से, एनवायरमेंट से, इकोलॉजी से, ज्योग्राफी से। इनफैक्ट तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जेट्रोफा कर्कस। ठीक है, अंगोरा वूल इज ऑप्टेन्ड फ्रॉम अ ब्रीड ऑफ ऑप्शन ए शीप, ऑप्शन बी फॉक्स, ऑप्शन सी रैबिट और गोट, या फिर ऑप्शन डी तिब्बतन डियर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा, मार्क कर लो आप, अंगोरा वूल है, आपने सुना होगा अंगोरा रैबिट या फिर अंगोरा गोट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मीन्स रैबिट और कोट। ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट वूल होते हैं और काफी लग्जूरियस वूल में इनकी काउंटिंग होती है, काफी लग्जूरियस। ठीक है, सी वीड्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी ब्रोमीन, या फिर ऑप्शन डी आयोडीन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी आयोडीन। आयोडीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं सी वीड्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी एंजाइम इन इट्स सेल्स? ऑप्शन ए लाइकन, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी एल्गी, या फिर ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई, बीबीएससी ने ऑप्शन ई को करेक्ट मार्क किया है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ई। ठीक है, नाउ एड्स इज कॉज्ड बाय ऑप्शन ए हेलमिंथ, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी फंगस, या फिर ऑप्शन डी वायरस। तो आपको सबको ये पता होगा कि एड्स को कौन कॉज करता है, ये एक वायरल डिजीज है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है, और ये एक वायरल डिजीज है। ठीक है, भूल के भी बैक्टीरिया या फंगस तो सोचना भी नहीं, या फिर कोई भी डिजीज मत सोचना, क्योंकि इतना ज्यादा फेमस क्वेश्चन है कि आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। फुट एंड माउथ डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम, फंगस, प्रोटोजोन, या फिर वायरस? तो दोस्तों आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, और अगर मैं अदर एग्जाम्स को भी काउंट करूं बीपीएससी के अलावा, तो ये 7 से 8 बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि ये एक वायरल डिजीज है, फुट एंड माउथ डिजीज। क्या है ये? वायरल डिजीज है, सो इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस। टाइफॉइड एंड कॉलरा आर टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ इंफेक्शियस डिजीज, एयरबोर्न डिजीज, वाटरबोर्न डिजीज, या फिर नन ऑफ द अबव? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वाटरबोर्न डिजीज। आपने सुना होगा कि जब पानी गंदा हो जाता है या फिर गंदा पानी रहता है, तो वहां पे लोग बोलते हैं ना, बच के रहना, कहीं कॉलरा ना हो जाए, या फिर साफ पानी पियो, कहीं गंदा पानी तो नहीं पिया तुमने कुछ टाइम तक कि टाइफॉइड हो गया। सो दैट मीन्स कि दे बोथ आर वाटरबॉर्न डिजीजेस। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीबायोटिक ड्रग? ऑप्शन ए क्यूनीन, ऑप्शन बी सल्फा ग्यूनिडाइन, ऑप्शन सी क्लोरमफेनिकोल, ऑप्शन डी एस्पिरिन, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी, एंटीबायोटिक ड्रग है। आप मार्क कर लो पहले आंसर, माइंड में मार्क कर लो, अगर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने पे थोड़ी भी दिक्कत आ रही है तो। आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ई, मीन्स सल्फाग्यूनाडाइन और क्लोरमफेनिकोल, ये जो दोनों हैं, ये दोनों एंटीबायोटिक ड्रग्स हैं। ठीक है, द हेरिटेबल डिजीज इज हीमोफीलिया, जॉन्डिस, कैंसर, या फिर पेचिश? यह आपको पता होना चाहिए, तो ऑप्शन देख के ही समझ में आ गया होगा कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हीमोफीलिया। ठीक है, ये एक हेरिटेबल डिजीज है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है ये। ठीक है,
जॉन्डिस जो है ये एक वायरल डिजीज है। कैंसर पेचिस के थ्रू, सॉरी, कैंसर जो है वो म्यूटेशन से होता है। कैसे होता है? म्यूटेशन, ठीक है। और पेचिस जो है वो एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो क्वेश्चंस है ना, बहुत बार रिपीटेड है और बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का ये बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है कि जब हम क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम में, तो या तो रिपीटेड होते हैं, या फिर अगर रिपीटेड नहीं है तो सपोज जैसे अभी मैंने बताया कि इस क्वेश्चन में हीमोफीलिया के बारे में पूछ लिया गया था, क्या पता अब जो क्वेश्चन आया उसमें ये पूछ लिया जाए कि जॉन्डिस इज अ वायरल डिजीज और हेरिटेबल डिजीज, या फिर म्यूटेशन के थ्रू होता है, या फिर ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज है। मतलब ऑप्शंस वही रहेंगे, बस पूछने का तरीका बदल जाता है, ठीक है। तो जॉन्डिस फिर यहाँ पे वायरल डिजीज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या फिर वो कैंसर के बारे में पूछ सकते हैं कि हाउ डज इट हैपन, तो इट हैपेंस ड्यू टू म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिस्पेक्ट ऑफ विमेन, मेन कैन सफर मोर ऑफ कलर ब्लाइंडनेस बिकॉज दे पास थ्रू मेंटल टेंशंस, दे लिव आउट ऑफ होम रिलेटिवली मोर, दे हैव ओनली वन एक्स क्रोमोजोम, कॉमनली दे हैव लेस फैट। तो आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें सी, कलर ब्लाइंडनेस जो है ये भी एक हेरिडिट्री है, मतलब कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। दे हैव ओनली वन क्रोमोसोम, क्योंकि ये फीमेल है एक्स एक्स और ये है मेल, ठीक है। और सपोज अगर कोई फीमेल इससे अफेक्टेड है तो उसका हो जाएगा एक्सी, तो ये कैरियर हो गई उसकी, कैरियर, ठीक है। और वहीं पे अगर यहाँ पे एक्स सी अफेक्टेड है तो ये इसको कलर ब्लाइंडनेस हो ही जाएगी, क्योंकि वाई से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये एक्स क्रोमोजोम को इफेक्ट करता है। अगर एक क्रोमोजोम को, मतलब जो एक एक्स को ये अगर इफेक्ट कर रहा है तो ये कैरियर हो जाता है, अगर दोनों को कर दिया, जो कि बहुत रेयर होता है, तो मतलब ये विमेन जो है वो कलर ब्लाइंड हो जाएगी अगर दोनों में हो गया। और जैसा आप देख रहे हैं कि मेल में तो एक ही एक्स क्रोमोसोम ही होता है, और वो भी अगर इम्पैक्ट हो गया है इस डिजीज से, तो इसका मतलब कि जो मेल है वो अब कलर ब्लाइंडनेस से सफर करेगा, ठीक है। थैलेसीमिया इज अ हेरिडेटरी डिजीज विच अफेक्ट्स ऑप्शन ए ब्लड, देन बी हार्ट, सी लंग्स, डी किडनी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्लड। मैं इसलिए आपको टाइम दे रही थी कि आपको आंसर पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आपने अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज करते रहिए, वैसे मैं करवा रही हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दे आर द बैकबोन ऑफ एनी एग्जाम, बी इट प्रीलिम्स बी इट मेंस, ओके, दे आर द बैकबोन ऑफ एनी एग्जाम्स। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं क्या, ठीक है, फॉर एनी एग्जाम। ऐसा नहीं कि यूपीएससी, बीपीएससी या इसके लिए ही, अगर आप नीट की भी प्रिपरेशन किए होंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करके गए होंगे, या फिर एनडीए, सीडीएस, किसी भी जगह के। तो आपने सुना होगा कि यार कोई, मतलब फीमेल है या कोई मेल है, उसका जो हीमोग्लोबिन है वो एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, मतलब वो भले ही चाहे जितना भी अनार खाए, चुकंदर खाए, कुछ भी ग्रीन वेजिटेबल्स ले, लीफी वेजिटेबल्स ले, लेकिन उसका जो हीमोग्लोबिन है वो नहीं बढ़ रहा है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर? ऑप्शन ए आयोडीन 131, ऑप्शन बी आयोडीन 24, ऑप्शन सी फॉस्फोरस 32, ऑप्शन डी कोबाल्ट 60, या फिर ऑप्शन ए नन ऑफ द अबव, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई, मींस फॉस्फोरस और कोबाल्ट, ये दोनों जो हैं वो ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। तो मोर देन वन ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर, एंड मोर देन वन ऑफ द अबव इज इन ऑप्शन ई।
अब तो बीपीएससी ने ये फिफ्थ ऑप्शन ही हटा दिया है, तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन हो जाता था कि मोर देन होगा या नन ऑफ द अबव होगा, ऐसे बहुत कंफ्यूजन हो जाता था। तो ये बहुत ही अच्छी मार्क है, और नेगेटिव मार्किंग ले आना ये बेस्ट है। अब लोगों के जो तुक्के होते हैं ना, बहुत से लोग तो तुक्कों से भी सही मतलब करके निकल जाते थे, अब वो नहीं होगा। नेगेटिव मार्किंग देख के लिटरली जो सिलेक्शंस होंगे वो अच्छे लोगों के होंगे, जो पढ़े होंगे, जो पढ़ाई किए होंगे उस एग्जाम की। देन ऑन्कोजीन्स आर एसोसिएटेड विथ ट्यूबरकलोसिस, हेपेटाइटिस, कैंसर, टाइफॉइड। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑन्कोजेनेसिस मीन्स कैंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज कैंसर एज वेल एज क्योर इट डिपेंडिंग अपॉन इट्स इंटेंसिटी एंड यूज। ऑप्शन ए टोबैको, ऑप्शन बी अल्कोहल, ऑप्शन सी आयोनाइज्ड रेडिएशन, या फिर ऑप्शन डी अल्ट्रा वायलेट रेज। जल्दी से आप करेक्ट इसका आंसर बताओ प्लीज, आपको पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर इज, इफ यू आर नॉट नोइंग देन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आयोनाइज्ड रेडिएशन। ओके, ये कैंसर को कॉज भी करता है, क्योंकि रेडिएशंस तो बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं जो म्यूटेशन को बना देते हैं, और म्यूटेशन जैसे ही होता है दैट मीन्स कैंसर हो गया। और जब कैंसर हो जाता है तो ये रेडिएशन, ये कीमोथेरेपी दी जाती है, रेडिएशन दिया जाता है ताकि बंदे को या बंदी को ठीक किया जा सके, उस इंडिविजुअल को ठीक किया जा सके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हु सिंथेसाइज द डीएनए इन विट्रो? इन विट्रो मीन्स इन लेबोरेटरी, ये जरूर याद रखना। इन वीवो, इन विट्रो, ये आपको पता होना चाहिए। इन विट्रो मीन्स लेबोरेटरी। आपके करेक्ट आंसर, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आर्थन कॉर्नबर्ग। इन्होंने डीएनए को सिंथेसाइज किया था लेबोरेटरी में। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा टफ रहा होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसका आंसर ही आपको बता दिया। इसका करेक्ट आंसर यही है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। मायोग्लोबिन कंटेन्स द मेटल, मीन्स मायोग्लोबिन जो है कौन सा मेटल कंटेन करता है? आपके ऑप्शंस है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड या फिर आयरन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी आयरन। मायोग्लोबिन में आयरन मेटल पाया जाता है। हाउ डू द मेंबर्स ऑफ हनी बी हाइव रिकग्नाइज ईच अदर? मतलब मधुमक्खियां जो हैं वो अपने छत्ते में कैसे एक दूसरे को रिकग्नाइज करती हैं? अब उसका ऑप्शन है बाई स्मेल, बाई आइस, बाई डांसिंग या फिर बाई टचिंग। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, टाइम लो आप बताओ जल्दी, यस ऑप्शन ए स्मेल से। ठीक है, तो दोस्तों घबराओ नहीं, ऐसा नहीं है कि हर किसी को सारे ही आंसर्स आते हों, या फिर हर किसी को कोई ना आंसर आता हो, कोई ना कोई तो आता होगा, या फिर कोई ना कोई तो नहीं आता होगा। तो बस मोटिवेटेड रहो, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाओ एग्जाम देने, और अच्छा होगा रिजल्ट, सो डोंट वरी। इन आई डोनेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ डोनर्स आइज इज यूटिलाइज्ड? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी लेंस, ऑप्शन सी रेटिना या फिर ऑप्शन डी द होल आई। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कॉर्निया। ठीक है, मतलब जब किसी का आई ट्रांसप्लांट होता है ना, जिस तरह हमने सुना है कि कोई इंडिविजुअल है वो अंधा है, वो ब्लाइंड है, फिर उसको मतलब आई डोनेशन हुआ है, उसकी रोशनी आंखों की वापस आ गई है, मतलब नाउ ही कैन सी द वर्ल्ड विथ हिज ओन आइज। ठीक है, तो वो जो ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, वो जो आई उसको डोनेट की गई है, उसमें डोनर के आई का कौन सा पार्ट यूज किया गया है? कॉर्निया। ठीक है, द फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट वॉज परफॉर्म्ड इन अमेरिका, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका या फिर फ्रांस। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका। मींस पहला जो ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट है वो साउथ अफ्रीका में परफॉर्म किया गया था। ठीक है,
अब हम आगे बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड इज, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये यूपीएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेफ्लेसिया। ठीक है दोस्तों, क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? रेफ्लेसिया। हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया? फ्लेमिंग, लैम्बल, टेमिन या फिर लियोन हुक? जल्दी से इसका आंसर आप बताओ। आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लियोन हुक। इन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। ठीक है, विच साइंटिस्ट हैज प्रोपाउंडेड द इरोजनल साइकिल? टैंक, डेविस, हटन या फिर डटन? तो आपका करेक्ट आंसर होगा डेविस। डेविस ने इरोजनल साइकिल को प्रोपाउंड किया था। ठीक है, और इनका फुल नेम क्या है? विलियम मॉरिस डेविस या फिर विलियम एम डेविस भी इनको बोलते हैं, और मोस्टली इनको विलियम डेविस के नाम से जाना जाता है। एम ज्यादा नहीं बोला जाता है, विलियम डेविस के नाम से बोला जाता है इनको। ठीक है, द मोस्ट अबंडेंटली फाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द नेचर इज, ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रुक्टोज, ऑप्शन सी सुक्रोज या फिर ऑप्शन डी सेल्यूलोज। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सेल्यूलोज। ठीक है, क्या होगा आंसर? सेल्यूलोज। द एज ऑफ मोस्ट एंशियंट माउंटेन ग्रुप इज असेस्ड बाय, ऑप्शन ए पोटेशियम ऑर्गन प्रोसेस, पोटेशियम आर्गन होगा। द एज ऑफ मोस्ट एंशियंट माउंटेन ग्रुप इज असेस्ड बाय, ऑप्शन ए पोटेशियम आर्गन प्रोसेस, ऑप्शन बी C14 प्रोसेस, ऑप्शन सी रासी प्रोसेस या फिर ऑप्शन डी यूरेनियम लेड प्रोसेस। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यूरेनियम लेड प्रोसेस। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यूरेनियम लेड प्रोसेस को यूज किया जाता है जो हमारे बहुत ही प्राचीन माउंटेन ग्रुप हैं उनकी एज फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द नेचुरल सिस्टम्स इज डिस्क्राइब्ड एज, फंक्शन ऑफ द सिस्टम्स, इवोल्यूशन ऑफ द सिस्टम्स, सेल्फ सस्टेन्ड प्रोसेस ऑफ द सिस्टम्स या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सेल्फ सस्टेन्ड प्रोसेस ऑफ द सिस्टम्स। ठीक है, देखिए नेचुरल सिस्टम की बात हो रही है कि नेचुरल सिस्टम जो है वो कैसे डेवलप करता है, तो वो अपने आप डेवलप करता है, सेल्फ सस्टेन्ड होता है ये प्रोसेस नेचुरल सिस्टम। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड है दोस्तों। हाँ, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट प्रूफ द लाइफ ऑन द अर्थ इमर्स्ड अप्रोक्सीमेटली, मतलब अर्थ पे लाइफ कब स्टार्ट हुई है उसके बारे में क्वेश्चन है कि कितने साल पहले स्टार्ट हुई है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बिफोर 20,000 ईयर्स, ऑप्शन बी बिफोर 2 लाख ईयर्स, ऑप्शन सी बिफोर 20 लाख ईयर्स या फिर ऑप्शन डी बिफोर 2 बिलियन ईयर्स। तो आपका करेक्ट आंसर होगा, जल्दी आप गैस करो। यस, जिसने भी ऑप्शन डी मार्क किया है वो करेक्ट आंसर है कि बिफोर 2 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, और अर्थ की क्या लाइफ है, मतलब पृथ्वी की क्या एज है? तो लाइफ, सॉरी, पृथ्वी की क्या एज है? तो वो है 4.6, अप्रोक्सीमेटली 4.6 बिलियन ईयर्स। ठीक है, ये हमारी अर्थ की एज है, और लाइफ कब स्टार्ट हुई है? वो हुई है अप्रोक्सीमेटली 2 बिलियन ईयर्स अगो। द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पेशीज, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉज रिटन बाई, ऑप्शन ए लीनियस, ऑप्शन बी लैमार्क, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन डी डार्विन या फिर ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी डार्विन। डार्विन ने ये बुक लिखी है, इज द ऑथर ऑफ द बुक द ओरिजिन ऑफ द स्पेशीज। यहाँ पे इन्होंने बात क्या करी है, इनकी बहुत ही फेमस टर्म्स हैं नेचुरल सेलेक्शन की, इन्होंने एक्सप्लेन किया है नेचुरल सिलेक्शन को अपनी इस बुक में। हु हैज एक्सप्लेन फर्स्ट द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ,
न्यूटन, आइंस्टाइन, चार्ल्स डार्विन या फिर लैमार्क? जल्दी से आंसर आप सोच के बताओ। इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ कि आप माइंड में ही सोचते रह जाते हो, लिखते क्यों नहीं हो यार, लिखो ना। क्योंकि अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, भले वो सही हो या गलत हो, आंसर याद हो जाएंगे। गलत है तो सही का पता चल जाएगा, सही है तो कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हो जाएगा और क्वेश्चंस करने का मन करेगा और चैट करने का मन करेगा। ऐसे है ना, आंसर्स तैयार होंगे आपके। ये एबिलिटी लाओ अपने अंदर, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लैमार्क। ठीक है, इन्होंने ही थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स दी थी। अगर ये क्वेश्चन आए कि हु हैज गिवन द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, देन करेक्ट आंसर विल बी लैमार्क। एंड लैमार्क इज द वन हु हैज फर्स्ट एक्सप्लेन्ड द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ठीक है, द मेन फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन इज म्यूटेशन, अचीव्ड क्वालिटी, वेजाइनल बर्थ या फिर नेचुरल सिलेक्शन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा नेचुरल सिलेक्शन। एंड हु हैज गिवन दिस नेचुरल सिलेक्शन? सो दिस इज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन इज वन ऑफ द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था डार्विन ने और थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स दिया था लैमार्क ने। ठीक है, लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन इज जावा मैन, क्रो मैग्नॉन मैन, नियंडरथल मैन या फिर पैकिंग मैन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जल्दी से आंसर सोच लो। यस, जिसने भी ऑप्शन बी मार्क किया है वो करेक्ट है, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर है क्रो मैग्नॉन मैन। ये हमारे लेटेस्ट एंसेस्टर्स हैं। ठीक है, हम अभी मॉडर्न ह्यूमन में काउंट होंगे 150 साल बाद, 150 साल नहीं, मतलब 150 तो मैं कुछ ज्यादा ही बोल दी, लाखों साल बाद हम भी ओल्ड हो जाएंगे, है कोई बात नहीं। लेकिन अभी हमारे लेटेस्ट एंसेस्टर कौन है? वो है क्रो मैग्नॉन मैन। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर्कियोप्टेरिक्स। ये बायो के तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही, मतलब कि जो भी नीट में आते हैं, उसके अलावा यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, सीडीएस सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मींस ये मोस्ट एंशिएंट बर्ड है जुरासिक एज की, और इसी को कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं रेप्टिलिया और बर्ड्स के बीच। एप्स मींस बर्ड्स, ठीक है, एप्स मतलब बर्ड्स होती हैं, और रेप्टीलिया जिस तरह आपने देखा होगा स्नेक हो गया, छिपकली हो गई, मतलब लिजर्ड वगैरह, ये सब रेप्टीलिया होते हैं। ठीक है, तो ये कनेक्टिंग लिंक है रेप्टीलिया और एप्स के बीच में, आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, डॉल्फिन्स आर क्लासिफाइड इन फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स या फिर मैमल्स। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मैमल्स। ठीक है, तो डॉल्फिन्स क्या हैं? ये मैमल्स हैं। एम्फीबियंस आर वेरी फास्टली मूविंग बोट्स, एनिमल लिविंग इन वाटर ओनली, एनिमल लिविंग ऑन लैंड ओनली, एनिमल्स लिविंग इक्वली इन वाटर एंड ऑन लैंड बोट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मींस एनिमल्स लिविंग इक्वली इन वाटर एंड ऑन लैंड बोट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एट्रोशियस एनिमल? ऑप्शन ए पेंगुइन, ऑप्शन बी व्हेल, ऑप्शन सी ऑटर या फिर ऑप्शन डी टॉर्टोइस। एट्रोशियस मींस अत्याचारी जानवर, जो अटैक कर देता है। हालांकि इनमें से जो ऑप्शंस गिवन है उनकी मैं बात कर रही हूँ, इनमें से ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, पी प्लांट इज, अब पी प्लांट के बारे में पूछ रहा है तो आपको डायरेक्ट इसको आंसर पता होनी चाहिए कि एक हर्ब है या फ्लावर है या बुश है या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ये एक हर्ब होता है। सी, एक हर्ब होता है, एक श्रब होता है, फिर प्लांट्स होते हैं, मतलब ट्रीज होती हैं। ठीक है, हर्ब, श्रब, ट्रीज, ये देख रहे हैं मैं किस तरीके से लिखी हूँ, इसी सिक्वेंस में इनकी हाइट होती है।
हर्ब्स बहुत ही छोटे होते हैं, उनसे बड़े होते हैं श्रब्स और उनसे बड़ी ऑब्वियसली ट्रीज होती हैं। तो इंक्रीज इन हाइट है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैंने इनको अरेंज किया है। तो पी प्लांट क्या है हमारा, वो हमारा हर्ब है, क्योंकि आपने देखा होगा पी प्लांट जो है वो ऐसे रहते हैं। सपोज ये लैंड है तो पी प्लांट जमीन पे रहते हैं, इनको टेंड्रिल्स जो इनके स्टेम होते हैं वो टेंड्रिल्स होते हैं, इनको है ना सपोर्ट की जरूरत पड़ती है ऊपर चढ़ने के लिए। ठीक है, अब पी प्लांट इज डाइकोटिलेडोनस हर्बेशियस प्लांट्स, मतलब कि ये डाइकॉट्स होते हैं। ये जरूर याद रखिएगा कि पी प्लांट्स आर डाइकॉट्स। अ प्लांट बड इज एन एम्ब्रियोनिक शूट, एन एम्ब्रियोनिक लीफ, एन एंडोस्पर्म या फिर अ सीड। तो प्लांट बड क्या होता है, तो वो एक एम्ब्रियोनिक शूट होता है। क्या होता है, एम्ब्रियोनिक शूट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्लांट्स विच ग्रो ऑन सलाइन सॉइल्स आर, सलाइन सॉइल्स की बात हो रही है, सलाइन मतलब कि नमक, यहां पे बात हो रही है मिट्टी की। तो आपके ऑप्शंस हैं जीरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स या फिर सक्यूलेंट्स। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हेलोफाइट्स। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हेलोफाइट्स आर एक्वेटिक प्लांट्स, ये जरूर याद रखिएगा। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा ना एक्स्ट्रा डिटेलिंग आपको दे जा रही हूँ ताकि आपको पता रहे, ऐसा नहीं है कि बस क्वेश्चन रीड करो और आंसर बोलो, क्योंकि आपको थोड़ा उसकी नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना चीजों की। आंसर तो ठीक है लेकिन सिर्फ रटना नहीं, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी चीजें आपको एक्स्ट्रा बताते हुए चल रही हूँ। क्या पता वो एक्स्ट्रा चीजें क्वेश्चन में आई जाए, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा चीज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑटोनॉमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज, ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा या फिर ऑप्शन डी बैक्टीरियोफाज। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, आफ्टर ब्रिंगिंग आउट वाटर फिशेस डाई, दे गेट एक्सेस क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी देयर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस, ऑप्शन सी दे कैन नॉट ब्रीथ या फिर ऑप्शन डी दे कैन नॉट मूव इन वाटर। तो मछलियों को अगर हम देखें कि जब पानी से हम बाहर निकालते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। वो क्यों होती है, क्योंकि वो ब्रीथ नहीं कर पाती, वो सांस नहीं ले पाती हैं, क्योंकि फॉर ब्रीदिंग मैकेनिज्म दे हैव गिल्स। ठीक है, वो किससे ब्रीथ करती हैं, किससे सांस लेती हैं, वो तो गिल्स के थ्रू लेती हैं, और गिल्स जो है ये वाटर में ही काम करता है। तो अगर वो बाहर आ जाती है तो गिल्स काम करना फेल कर जाता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है फिशेस की। द इंट्रैक्शन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई टू फॉर्म लाइकन इज, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसलिज्म, कन्वर्जन, नन ऑफ द अबव या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। तो देखिए जो इंट्रैक्शन होता है एल्गी और फंजाई का उसको लाइकन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक लाइकन। क्वेश्चन आता है कि लाइकन इज द इंट्रैक्शन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई या फिर फंजाई एंड प्लांट्स, ऐसे ऑप्शन आते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर तो इसमें एल्गी एंड फंजाई हो जाएगा। अब ये बोल रहे कि इस इंट्रैक्शन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं ऑप्शन बी म्यूचुअलिज्म। ठीक है, मतलब एल्गी और फंजाई दोनों के लिए प्लस प्लस है, म्यूचुअलिज्म है, प्लस प्लस है, मतलब एल्गी फंजाई को प्रॉफिट देगा, फंजाई एल्गी को प्रॉफिट देगा। ठीक है, मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इज बेस्ड ऑन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मेंडल्स ने जो प्रिंसिपल दिया था अपना, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ये किस पे बेस्ड था, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में। अच्छा, मेंडल ने किस पे वर्क किया था, कौन से प्लांट पे, तो उन्होंने वो काम किया था गार्डन पी पे। किस पे काम किया था, गार्डन पी पे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हेरिडेटरी कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग सेल्स? ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी हॉर्मोन, ऑप्शन सी आरएनए, ऑप्शन डी डीएनए, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी, यहाँ पे हेरिडेटरी कैरेक्टर्स के बारे में पता करना है, ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डीएनए, ठीक है, डीएनए इसका करेक्ट आंसर होगा। हेरिडेटरी कैरेक्टर्स को आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जिस तरह लोग बोलते हैं ना कि कोई बेटा है, अब कैसे पता करे कि उसका पिता कौन है, तो उसका डीएनए टेस्ट हो जाता है, तो उसके जो डीएनए है वो मैच किए जाते हैं, क्योंकि वो जो है ना जो हेरिडेटरी कैरेक्टर्स को कैरी करता है लिविंग सेल्स में, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डीएनए। हु डिस्कवर्ड डीएनए? जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ग्रेगर मेंडल, हरगोविंद खुराना, जोहानसन, नन ऑफ द अबव या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। तो जल्दी से दोस्तों आप अपना आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव, ठीक है, नन ऑफ द अबव इसलिए क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर होगा, किस डीएनए को किसने ढूंढा था, तो मैं आपको बताती हूँ, वो है जॉन फ्रेडरिक मिशर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जॉन फ्रेडरिक मिशर, जिन्होंने डीएनए को डिस्कवर किया था। इनमें से ये ऑप्शन कहीं भी नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ द अबव मींस ऑप्शन ई, ये याद रखिएगा, जॉन फ्रेडरिक मिशर। मेल्स जीन कंस्टिट्यूएंट इज एक्सएक्स, एक्सवाई, एक्स या फिर वाई। अभी मैंने आपको जो हीमोफीलिया से या फिर कलर ब्लाइंडनेस से जो डिजीज थी उसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल में एक्स एक्स होते हैं, ठीक है, दिस इज फॉर फीमेल, ये फीमेल की साइन है बायोलॉजिकल टर्म्स में, एंड दिस इज फॉर फीमेल, ये मेल की साइन है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 70% वाटर, 20-30% वाटर, 10-20% वाटर, 30-40% वाटर, नन ऑफ द अबव या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। तो आप सबको पता है कि ह्यूमन बॉडी कितना पानी कंटेन करता है, तो वो है 70%, मींस हमारे बॉडी में 70% तो पानी है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स, सॉरी ये तो फिर से रिपीट हो गया, फिर अब हम आगे देखते हैं। एट द एज ऑफ 20 इयर्स द नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी इज 100, 200, 300 या फिर नन ऑफ दीज। सी 20 इयर्स की बात हो रही है, मींस कि जो भी ये इंसान वो बड़ा हो चुका है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, मींस नन ऑफ दीज, क्योंकि जो भी एडल्ट ह्यूमंस होते हैं उनमें जो बोन्स होती हैं उनका नंबर हो जाता है 206, कितना, 206 हड्डियां होती हैं। द नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्केल इज 28, 30, 32, 40। तो दोस्तों ये जो ह्यूमन स्केल की बोन्स है ना, इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, मतलब ये क्वेश्चन ही कम से कम अगर मैं सारे पीसेस का मिला के बोलूँ तो 11 से 12 बार पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 28, मीन्स ह्यूमन स्केल में कितनी बोन्स होती हैं, 28 बोन्स होती हैं। The number of teeth that are developed twice in the lifetime of human being is 4, 12, 20, 28। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मीन्स ह्यूमन बॉडी में 20 दांत ऐसे हैं जो पूरे लाइफ टाइम में दो बार उगते हैं, दो बार डेवलप होते हैं, 20 दांत ऐसे हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Substances that are responsible for catalyzing chemical reactions in living systems are bacteria, DNA, enzymes, proteins. तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स क्या करता है कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको इनहेंस कर देता है, उसको और बढ़ा देता है, ठीक है।
ठीक है, और तेज कर देता है, उसकी स्पीड तेज कर देता है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन तेज कर देता है। इसको बायोलॉजिकल कैटलिटिस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिटिस्ट। ठीक है, चलिए देखिए, एक्स्ट्रा नॉलेज दूंगी तभी आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा ना कि कोई सब्जेक्ट पढ़ने में, क्योंकि रिवाइज तो हर कोई करता है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें दिमाग में जाती रहती है तो और अच्छा लगता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज नोन एज अर्गोकैल्सिफेरॉल? ऑप्शन ए विटामिन D2, ऑप्शन बी विटामिन D3, विटामिन B12, विटामिन B6, या फिर नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन D2। विटामिन D2 को अल्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन, कहाँ पे स्टोर होता है विटामिन ए? तो आपका करेक्ट आंसर होगा लीवर में। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कंटेन कोबाल्ट? आपका करेक्ट आंसर होगा विटामिन B12। विटामिन B12 जो है उसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? B1 मीन्स विटामिन B1 ऑरेंजेस, विटामिन D कॉड लीवर ऑयल, विटामिन E वीट जर्म ऑयल, ऑप्शन D विटामिन K अल्फा अल्फा, या फिर ऑप्शन E नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन E, मीन्स ऑल आर करेक्ट। मीन्स देखिए, ऑरेंजेस जो हैं ये सिट्रस फ्रूट है, सिट्रस फ्रूट में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? वो है विटामिन C, लेकिन थोड़ा सा उसमें मतलब स्मॉल क्वांटिटी में विटामिन B1 भी पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इस सारे जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन E, मोर देन वन ऑफ द अबव। व्हाट इज ट्राइग्लिसराइड? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, नन ऑफ द अबव, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन C, मीन्स ट्राइग्लिसराइड्स आर फैट। ठीक है, फैट होता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड इज एन ईस्टर डिराइव फ्रॉम ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड्स। मतलब ये एक ईस्टर होता है और इसमें क्या होता है, एक ग्लिसरॉल होता है और 3 फैटी एसिड्स होते हैं। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन C इज एस्कॉर्बिक एसिड, थायमिन, सिट्रिक एसिड, या फिर टार्टरिक एसिड? तो आपको पता ही होगा क्योंकि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, और बहुत ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे कोविड हुआ था तो लोग विटामिन C की कैप्सूल्स भी ले रहे थे, इसकी गोलियां भी खा रहे थे ताकि इसकी कमी ना हो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन A, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और विटामिन C सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो गूजबेरी में। गूजबेरी मीन्स आंवला। ठीक है, और उसके अलावा अगर दूसरा हम ऑप्शन देखें तो वो हो गया लेमन, मतलब नींबू में। ठीक है, जो भी मतलब सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे ऑरेंजेस वगैरह, उसमें विटामिन C जो है बहुत ज्यादा पाया जाता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे डिफरेंट विटामिन्स के नेम्स हैं और ये उनके केमिकल नेम है। चलिए अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे विटामिन A को हम रेटिनॉल कहते हैं, B को थायमिन कहते हैं, C को अभी हमने पढ़ा एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, D को कैल्सिफिरॉल कहते हैं, E को टोकोफिरॉल कहते हैं, और K को फिलोक्विनोन कहते हैं। ठीक है, फिलोक्विनोन। ठीक है, इनमें से ये जो विटामिन बी और सी हैं ये वाटर सल्यूबल विटामिन्स हैं। क्या हैं? वाटर सल्यूबल्स हैं, और बाकी A, D, E, K ये सारे फैट सोल्यूबल्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट हमारे जो साइंस का बायोलॉजिकल वाला सेक्शन है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये हमारी सारी लिंक्स। और इस लेक्चर की PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगी, वो फ्री PDF भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जिससे आपके प्रिपरेशंस और अच्छे हो जाएं। थैंक यू।